के बाद हमारे ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है। 15 साल की उम्र के बाद फादर मिसेस बेहरा, आपको अचानक हो क्या गया? IQ टेस्ट इतना अच्छा चल रहा था, कृष्णा सारे सवालों का सही जवाब दे रहा था, इसलिए तुझसे बाहर से लेकर चली आई। क्यों? आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपका ग्रैंडसन इतना ब्रिलियंट है, जीनियस है। ही इज अ मिरेकल चाइल्ड। पहले तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट था, मगर अब यकीन हो गया है। जादू ने जो पावर्स, जो शक्तियां रोहित को दी थी, वो सारी पावर, सारी शक्ति कृष्णा को रोहित से विरासत में मिली। आप देखिएगा मिसेस मैरी, कृष्णा भी अपने पापा की तरह कामयाबी की एक नई मिसाल कायम है। गिनीज बुक में उसका नाम होगा। कृष्णा को भी रोहित की तरह एक दिन पूरी दुनिया जानेगी। यही तो मैं नहीं चाहती। आखिर क्या मिला रोहित को? मैंने इस दिन पर तालियां बजाकर सब लोगों ने उसका और उसके टैलेंट का इस्तेमाल किया है, उसका फायदा उठाया है फादर। और फिर खो दिया मैंने अपना बेटा, अपनी बहू। अब मैं कृष्णा को भी खोने नहीं चाहती फादर, नहीं खोना चाहती। मैं आपकी परेशानी, आपका डर समझ सकता हूँ, मगर डरने से डेस्टिनी तो नहीं बदलती। और फिर टैलेंट तो हवा, खुशबू और धूप की तरह है, जिसे कहीं छिपा कर नहीं रखा जा सकता। मैं छुपाऊंगी फादर, कृष्णा को दुनिया की नजरों से दूर ले जाऊंगी मैं, बहुत दूर। कृष्णा बेटा, कृष्णा, कृष्णा, आया दादी, चल तू बाहर, देखते हैं घर कौन पहले पहुंचता है, चल। सोनिया मेहरा और उसका पोता कृष्णा कहाँ है? कितने सालों में ये तीसरी बार है जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। और हमेशा की तरह मेरा जवाब वही है, मैं नहीं जानता कि मिसेस मेहरा कहाँ है। आई रियली डोंट नो। क्यों बार बार मेरे पास आकर आप मेरा टाइम वेस्ट करते हैं? क्योंकि आप ही रोहित मेहरा की फैमिली से जुड़ी आपकी कड़ी है, और सोनिया मेहरा अपने पोते कृष्णा के साथ गायब होने से पहले आपसे ही मिली थी। आपको पता है वो दोनों कहाँ हैं?
लेकिन आप उसे झूठ बोलते हैं। What? हाँ, आप झूठ बोलते हैं बाबा। जब मैंने आपसे पूछा था कि रोहित के बेटे में रोहित की शक्तियां हैं या नहीं, तब आपने ना कहा, लेकिन बाकी टीचर से बताया कि बेटा तो बाप से भी बढ़कर है, उसमें रोहित की सारी शक्तियां हैं। बता दीजिए कीमत जो आप। How dare you? मिस्टर सिन्हा, ये स्कूल है, यहां खरीदने बैठने का काम नहीं होता। अब आप जाइए यहां से, प्लीज लीव नाउ। आप गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। इतनी बड़ी पतंग, लेकिन इसकी डोर कहाँ है? अरे कट के आ रही है, चल पकड़ते।
जिंदा हो और हमारे साथ हो। थैंक गॉड तेरी जान बच गई यार। थैंक गॉड को नहीं, उस लड़के को करना चाहिए। उस लड़के को? किस लड़के को? अरे वही लड़का जिसने मेरी जान बचाई। तुम्हें किसी लड़के ने बचाया? जी सर। मगर वहां तो कोई नहीं था। नहीं सर, वो वही होगा। हम दोनों पेड़ से साथ साथ नीचे गिरे थे। साथ साथ? हाँ। मगर तुम तो ग्लाइडर में अकेली गई थी, तो फिर वो पेड़ की ऊंचाई पर कहां से आ गया तुम्हारे साथ देने के लिए? आसमान से टपका था क्या? हाँ सर, वही कहीं से आया था। प्रिया, ट्रस्ट मी, यू वर ऑल अलोन, राइट? क्या हुआ? भूत, भूत, कोमल साहब, भूत, भूत, भाग के कंकनी, भाग, कैको नाजो, भाग बच्चा, भाग, तन पहलू, मन पहलू, दो पहलू, गपाट पहलू, भाग, भाग के कंकनी, भाग! ये तुम क्या पक रहे भादुर? पक नहीं रहा हूँ शाम, पढ़ रहा हूँ, भूत भगाओ मंत्र। ये क्या खींच के कर रहे भादुर? दिन के उजाले में भूत कहाँ जा सकता है? ये जंगल है साहब, यहाँ दिन क्या रात क्या, सुबह क्या शाम क्या, छा बेचा है, पिया में था, लंबा था, हाँ, वो हट्टा कट्टा था, हाँ हाँ हाँ, वो बुरा था, हाँ, कालीचरण, 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 हाँ साहब, कालीचरण का भूत था, सालों से इन पहाड़ों में लटक रहा है, पेड़ से उल्टा लटक रहा है, सर, मैं जी, व्हाट नॉनसेंस, आज के जमाने में भूत, आई डोंट बिलीव अस, आई आल्सो डोंट बिलीव अस, क्या हुआ? What happened? सर, लगता है बहुत सीरियस मोच आ गई है, या फिर पैर टूट गया सर? हो गई ना मुसीबत। हम 10 दिन के एडवेंचर कैंप पर आए हैं और तुमने पहले ही दिन अपना पैर तोड़ लिया। हनी, इसे टेंट के अंदर लेकर जाओ एंड गिव इट फर्स्ट एड। केयरफुल, बहादुर तुम अपने फोन बूथ पर जाओ और किसी गाड़ी का इंतजाम करो। प्रिया को शहर भेजना होगा इलाज के लिए। साथ में जाऊंगा साहब, अभी डर लगता है। हाँ, ये काली जाने का भूत ना दिन में सताता है, रात को सोता है। जस्टिन जी, इजी इजी, आराम से, तू आराम कर, अलाउ करने से पहले। कम ऑन, लेट्स गो गाइस, लेट हिम रिलैक्स। तुम किससे बात कर रही हो काकी? काकी?
दीदी को काकी बोलता है और पूछते हैं मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं इस लड़के से बात कर रही हूँ। किस लड़के से? अरे दिखता नहीं है क्या ये जो खंभे जैसा लड़का खड़ा है? दीदी वहाँ खंभा है लड़का नहीं। ठीक से देखो वहाँ पे लड़का है। ये खंभा है। अरे लड़का है। अरे ये खंभा है। चलो एक मिनट सुनिए। एक्सक्यूज मी आपको आपको वहाँ पे लड़का दिखाई दे रहा है खंभा? वहाँ ना लड़का है ना खंभा। आप ठीक से देखिए वहाँ। क्या हुआ बेटे? मुझे तो कुछ समझ नहीं। ओह लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। देखो मेरा घर यही पास में है। थोड़ी देर बाहर चलकर आराम कर लो। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हाँ ये इस लड़के की तस्वीर पे हाँ मेरे बेटे की है। 20 साल पहले गुजर गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे अभी समेली लगा लाल चरण ने देख गुस्से से हाथ बबूला हो गया। एक दिन उसने धोखे से चंपा को दवा के नाम पर जहर दे और बेचारी चंपा काली काली करके तड़प तड़प मर गई। कैसे इमेजिन बेचारा काली चर चंपा की मौत का दुख नहीं सहन कर सका। वो उस पहाड़ की चोटी की तरफ देखो उसी चोटी से कालीचरण चंपा चंपा पुकारता हुआ कूद पड़ा और इश्क में अपनी जान दे। उसी दिन से कालीचरण खुद बनकर अपनी चंपा को ढूंढ रहा है। तुम मेरी तरफ क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि आप चंपा है। मैं चंपा? मतलब चंपा जैसी है। प्रिया प्रिया मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ पे अपनी रुकना चाहिए प्लीज यार। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये बहादुर का बच्चा जस्ट इमेजिन करके बकवास किए जा रहा है और तुम लोग इमेजिन किए जा रहे हो। बहादुर आज के बाद तुम इन बच्चों को कोई कहानी नहीं सुनाओगे। अंडरस्टैंड? नाउ कम ऑन गेट रेडी हम लोग माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं। तुम सब एसेंडर लगाकर ऊपर चढ़ा और फिर एसेंडर लगाकर रैपलिंग करते हुए नीचे उतरो। मेरी जेब भरने से पहले ही खाली हो गई। जस्ट इमेजिन
अरे तुझे उन लोगों के सामने उस तरह पहाड़ पर चढ़ने की तरह क्या थी? करता क्या? वो इतनी जोर से चिल्लाई और वहां पर इतने लोग थे कि मैं डर। और तेरे घर ने उनको इतना डरा दिया है वो सब वापस जा रहे। मां कसम, अब ढूंढना अपनी चंपा को, सचमुच का कारण तेरे बन के। तो क्या करें? क्या करें? तुमने जैसा कहा वैसा मैंने किया, अब तू ही कुछ सोच। सोचा हाँ चंपा जी। मेरा नाम प्रिया। वो तो इस जन्म में है लेकिन पिछले 6 जन्मों से तो आप कालीचरण की चंपा हैं। ये 7वां जन्म है। अगर आप उससे बिना मिले चली गई तो वो रूठ जाएगा। फिर आप जहाँ जहाँ जाएंगे वो वहाँ वहाँ आएगा। जस्ट इमेजिन। ऐसे कैसे आ जाएगा? और वैसे हम तो सिंगापुर चले जाएंगे। वो पापा, वो सिंगापुर भी आ जाएगा, उसको टिकट नहीं खरीदना पड़ता। देखो बहादुर, ये किसी भूत भूत से मिले कहीं पे नहीं जाएगा। अगर इसे कुछ हो गया तो वो बहुत शरीफ भूत है बेटा, उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है ना। अब आगे आप लोगों की मर्जी। रुको बहादुर। हनी हाँ, आई थिंक ही राइट। तू उससे मिलने जाएगी? हाँ, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। पर आप इन्हें मना मत करना। अगर कालीचरण को पता चल गया, जस्ट इमेजिन। मिलना चाहूंगी मेरे दोस्तों से।
दीवार पे नहीं मारे दूंगा, दर्द होता है क्योंकि मैं काली चाल नहीं हूं। देखा, ये काली चाल नहीं है, मैं तो शुरू से यही कह रहा था। आप तो अभी भी यही कह रहे हैं। सही तो कह रहा हूं। काली चाल तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। इंद्रधनुष से मांग इंद्रधनुष मतलब रेनबो। हाँ वो देखो। वाह कृष्ण, कितना खूबसूरत नजारा है। अगर मैं यहां नहीं आई होती ना तो मुझे बहुत अफसोस होता। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। It's so beautiful, so pure, so serene, so quiet. You should see this place in autumn. It is the light of the world. When the sun rays touch the pollen leaves, everything turns to gold. So beautiful. Makes you realize what a great artist God really is. कृष्णा, तुम इंग्लिश भी बोल रहे हो और वो भी इतनी अच्छी। डाला नहीं सीखा, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी सब वही। लेकिन किसी से भी कुछ भी सीखने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है कृष्णा, और तुम्हें कमाल का टैलेंट है। यू आर अमेजिंग। तुम्हें इस छोटे से गांव में अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ से बाहर की दुनिया में तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की ना सिर्फ जरूरत है बल्कि कदर है। पर मेरी दिल्ली तो मेरी दादी है, मैंने छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत प्यार करती हूँ अपनी दादी से। बहुत से ज़्यादा कृष्णा, मैं तुम्हारी दादी से मिलना चाहती हूँ। दादी है प्रिया, प्रिया मेरी दादी। नमस्ते दादा जी। जी रहो, हम लोग पहले मिल चुके हैं। हाँ हाँ यार, एक बात बताओ जी, उस दिन तुम घर से चले क्यों गई थी?
घर से नहीं दादी, डर से। ये जो आपका कृष्णा है ना, ये सबको भूत बन के डरा रहा था। भूत? और दादी इनके कोमल सर जो कि अच्छे खासे हटे कटे डर के मारे थर थर कांप रहे हैं ना। अरे दादी उनका तो 104 डिग्री बुखार भी हो गया। 104? सच कृष्णा, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था बेटा। इतना भी क्या किसी को डराना कि वो बेचारा बीमारी पड़ जाए। तुमने सॉरी बोला? हाँ दादी बोला, सबको बोला। प्रिया बेटा जी दादी, अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। दादी मैं सिंगापुर में रहती हूँ अपनी मम्मी के साथ। मेरे पापा अब नहीं रहे। इंडिया में एक दोस्त के साथ छुट्टियां मनाने आए। उसकी फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। अच्छा जी, अब मैं हाथ धोके आती हूँ। लीव पर गई थी ना तुम दोनों, और 20 दिन के बाद आ रही हो। सो आज
तुम दोनों की परमानेंट छुट्टी। इंडिया क्या? वर्ल्ड टूर पर जाओ, जा जा, गो, गो। रुपया। सॉरी, आप इस तरह से हमारी इज्जत नहीं कर सकते। या, बॉस, आप हमारी सिंसेरिटी और हमारी डेडिकेशन पर ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। मान कि हम 15 दिन की छुट्टी पर हैं, लेकिन जैसे ही 16वां दिन शुरू हुआ, हमने काम शुरू कर दिया। क्या कमाल का काम किया है आप लोगों ने? हमने एक इंडियन सुपर बॉय खोया। बोलने दे मुझे प्लीज। बॉस, ये लगा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ऐसे चढ़ा जैसे सीढ़ियां चढ़ा, घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। और आपको पता है नदी के अंदर सिर्फ आधा की ऊंचे चढ़ा। जरा सोचिए, इतना टैलेंटेड लड़का अगर यहाँ पर आएगा तो कहाँ जाएगी आपकी टीआरपी? जस्ट इमेजिन। आई होप यू आर नॉट ट्राइंग टू मेक अ फूल आउट ऑफ मी। नो वे बॉस, आप भी बिलीव करें जब आप उसे ये सब कुछ करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कैसे देखेंगी, कैसे आएगा वो यहाँ पे? इतनी बात तुझे रोक रही थी, लेकिन तुझे बोलना शुरू करके तो बोलती जा रही है। ओह प्रिया प्लीज, पहली बात तो ये कि अपनी जॉब बचाने के लिए मुझे और कोई तरीका नहीं समझ में आया। और दूसरी बात ये कि अगर कृष्णा यहाँ पर आता भी है तो क्या बुरा है? अरे, तूने फिर वही बात शुरू कर दी। ओहो रिलैक्स, बैठ जा। जरा सोच, अगर कृष्णा का टैलेंट हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा तो फायदा तो उसी का होगा। नेम, फेम, मनी, ये सब कुछ उसको मिलेगा। कितना बड़ा आदमी बन जाएगा ना, जस्ट थिंक। बात तो ठीक कह रही है, लेकिन कृष्णा अपनी दादी को छोड़कर कभी नहीं आएगा। उसकी दादी ही उसकी दुनिया है। उस दुनिया में अब तू भी आ गई। आई नो, बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर दीजिए। कृष्णा का फोन मुझे सिंगापुर बुलाया। दादी वो चाहती है कि मैं उसके माँ से मिलूं। माँ से? हाँ दादी,
और अगर मैं नहीं गया और पिया की माँ से पिया का हाथ ही मांगा तो वो उसका हाथ किसी और के। मैंने कह दिया कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं आ रहा हूं। मैंने ठीक किया ना, मैं जाऊंगा दादी। दादी बस कुछ दिन की बात है दादी, मैं बस जाऊंगा और पिया का हाथ मांगकर उसे अपने साथ वापस ले आऊंगा। मैं जाऊं ना दादी। आप जवाब नहीं देंगे दादी? जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मुझसे पूछने की जरूरत ही क्या है, जा चला जा। दादी आप खुश नहीं हैं? आपको प्रिया पसंद है? प्रिया तो पसंद है लेकिन मेरा आदमी दूर जाना पसंद नहीं। अगर प्रिया सच में तुझे चाहती है तो अपनी माँ को लेकर के यहाँ भी जा सकती है, लेकिन तू वहां नहीं जाएगा। लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकता? मैंने एक बार कह दिया तू नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा बस। लेकिन क्यों नहीं जा सकता? क्या हो जाएगा? बचपन से यही सुनता आ रहा कि तू यहां नहीं जाएगा वहां नहीं जाएगा, ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, तेरे दोस्तों के साथ शहर नहीं जा सकता। शहर तो तू रात को नदी कुछ पार तक नहीं जाने देती जा रही, क्यों? अब तू इतना बड़ा हो गया है कि मुझे तेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हाँ जब कोई जवाब देना पड़ेगा दादा। आखिर क्यों आप मुझे रोकती हैं? क्यों मैं नहीं जा सकता? क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहती। तो क्या चाहती हैं आप? कि जिंदगी भर आपके आंचल में चुपके बैठा रहो और आपका चेहरा देखते रहो, जिंदगी भर पेड़ों पहाड़ में सर टकाते रहो, यहां आके ना भटक रहो, यही चाहती है? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता दादी, मेरी भी अपनी जिंदगी है, कुछ सपने हैं, मुझे भी कुछ करना है, कुछ बनना है, अपनी पहचान बनानी है। आप मुझे खुदा चाहते लेकिन मैं भी आपको खुद हूं, मेरी खुशी से आपको कोई मतलब नहीं। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, आप फिर यही बात ही मान सकती? आप इतनी खुद से भी जाने मुझे आज पता चला, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं आप, सिर्फ अपने बारे में, मेरी बिल्कुल परवाह नहीं आपको। आज अगर मेरी पति पापा जिंदा होते तो मेरे दिल की बात में समझते और मुझे चलने से मुझे कभी नहीं लगते। काश कि तेरी मम्मी पापा जिंदा होते। ये तारे देख रहे हो कृष्णा, आसमान में चमकते हुए इन अंगिनत सितारों के साथ, तेरा मेरा तेरे पापा का और तेरे दादाजी का बहुत गहरा रिश्ता है। तेरे दादाजी एक स्पेस साइंटिस्ट थे, एक रात ओम को लेकर उनके बनाए खास साउंड सिग्नल का जवाब आने लगा और अचानक आसमान में एक उड़नता शरीर दिखाई दी। उस एक्सीडेंट में गाड़ी बेकाबू हो गई और एक्सीडेंट हो गया, मैं तो बच गई लेकिन तेरे दादाजी। उस वक्त रोहित मेरे बेड में था, एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट लग गई थी इसलिए वो अपना मन पैदा हुआ और बड़ा होने के बाद भी उसका दिमाग बच्चों जैसा ही रहा। एक रात हमारे छोटे से कस्बे कसौली में एक बहुत बड़ा स्पेसशिप उतरा, उसमें से कुछ एलियंस बाहर निकले लेकिन उनमें से एक वापस नहीं लौट सका और इस तरह
रोहित की जादू से मुलाकात हुई। जादू के पास सुपरनैचुरल शक्तियां थी। उसने अपनी शक्तियां रोहित को दे दी। रोहित पूरी तरह बदल गया। जादू तो चला गया, लेकिन रोहित को दी हुई शक्तियां वो वापस नहीं ले गया। उसके बाद सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। मेरा बेटा वो कर सकता था जो किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। इसी दौरान रोहित ने तेरी माँ से शादी की और कुछ अरसे बाद उसकी शोहरत हिंदुस्तान की सीमाएं पार कर गई। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के चेयरमैन ने रोहित को विदेश बुलाया। I'm sorry to keep you waiting. That's all right. मैं बस ये बुक। हाँ, ये मेरी नई किताब की फर्स्ट कॉपी है। आप इसे पढ़ें और अपनी राय दें। बहुत अच्छी किताब है सर। आपने काफी रिसर्च की। आप बिना पढ़े ये कैसे कह सकते हैं? मैंने पढ़ लिया सर। पढ़ ली? पेज नंबर 126, 244 और 354 में प्रिंटिंग मिस्टेक है सर। मैंने मार्क कर लिया। आपने 400 पेज की ये किताब 10 मिनट में पूरी? मैं तो भूल ही गया था कि मैं उससे बात कर रहा हूँ जिससे कोई भी सवाल पूछना उसके टैलेंट की इंसल्ट कर रहा है। इट्स एन ऑनर टू मी। द ऑनर इज माइन। मुझे तो अब भी यकीन है कि मैं आप जैसे ग्रेट साइंटिस्ट और इनोवेटर के सामने आपने वायरलेस कम्युनिकेशन की फील्ड में जो किया है वो किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है सर। आपने कंप्यूटर को टेबल से उठा के लोगों के हाथों में पहुंचा दिया। आज तो लोग मोबाइल फोन पर क्रिकेट मैच की क्लिप देख सकते हैं। तो आपकी वजह से रोहित, मैंने एक नया ड्रीम, एक नया विजन, एक ऐसा सपना जो अगर सच्चाई में बदल गया तो दुनिया की तकदीर और तस्वीर, फेक एंड फेस दोनों को बदल सकता है। और इस सपने को सच करने के लिए मुझे मैं एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहता हूं जो भविष्य को देख सके। That can see the future. चाय पियोगे या कॉफी? आपका विषय समझ रहा हूं। आप एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जो फ्यूचर है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बोला, क्योंकि मेरे पास जो लोग हैं वो ट्रेन्ड तुम्हारी तरह गिफ्टेड नहीं है। हम इस प्लैनेट का, इंसानियत का कितना भला कर सकते हैं? बहुत कहने के भूकंप, सूखा, बाढ़, सबको रोका जा सकता है। नहीं भी रोक सके तो हम तैयार तो हो सकते हैं। तुमने तो फ्यूचर देखना शुरू भी कर दिया। वेलकम। इस यकीन के साथ के विजन और ब्रिलियंस की ये मुलाकात हिस्ट्री बनेगी। हिस्ट्री बनाए। पूरे 2 साल लगे
लेकिन मेरे रोहित ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसने ऐसा कंप्यूटर बना लिया जो भविष्य देख सकता था। उन्हीं दिनों तू पैदा होने वाला था। हेलो रोहित बेटा, मैं निशा को अस्पताल ले आई हूँ। हाँ वहीं से बोल रही हूँ। मुबारक हो, तू किसी भी वक्त बाप बन सकता है। हाँ बस जल्दी से घर आ जा बेटा। रोहित क्या बात है बेटा, तो कुछ परेशान से लग रहा है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल भी गलत कीजिए। मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। लेकिन नहीं आ पाए मेरा बेटा, तेरे पैदा होने के कुछ ही देर बाद हमें खबर मिली कि लैब में अचानक आग लग गई और वो लोग नहीं बचा पाए मेरे रोहित को। तेरी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ दिनों में वो भी चली गई। जब तू 5 बरस का हुआ तब मुझे पता चला कि तू भी उन्हीं शक्तियों के साथ पैदा हुआ जो शक्तियां रोहित में थी। मैं एकदम घबरा गई। मैं नहीं चाहती थी कि दुनिया को तेरे बारे में भी पता चले, इसलिए मैं तुझे लेकर यहाँ इतनी दूर चली गई जहाँ मैं कोई भी नहीं जानता था। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती थी कृष्णा। तो अब मेरा चेहरा नहीं देखा जाता ना, लेकिन मैं तो तेरा चेहरा देख कर ही जी रही हूँ कृष्णा। हाँ मैं मतलबी हूँ, मैं मतलबी हूँ। जोश में आकर के कुछ ऐसा वैसा मत कर देना कि किसी को पता चले कि
मैं कुछ दिन पहले ही आ गया, लेकिन क्या रहा मुद्दत। अब जब कामयाबी इतने नजदीक आ गई है तो आखिर के एक एक दिन का एक एक पल काटना मुश्किल हो। वैसे तारीफ करनी होगी आपकी और आपकी मेरे सपने को दोबारा सच्चाई बनाने की। तारीफ तो आपको रोहित मेहरा की करनी चाहिए सर। अगर उसके नोट्स और रिसर्च हमारे पास नहीं हो तो वो कंप्यूटर दोबारा बनाना इम्पॉसिबल। एब्सोल्यूट जीनियस, योर राइट सर। जो कंप्यूटर रोहित ने 2 साल में बनाया उसे हमें बनाने में कितने साल लगे? इसीलिए तो आज भी उसकी कमी महसूस हो रही है। अब तक लोग कहते हैं कि कल किसने देखा है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद तुम और मैं कई सच और कई मुहावरे हमेशा के लिए बदल देंगे। आज का सबसे महत्वपूर्ण समाचार, इतने सालों की लगन, मेहनत, शोध और प्रतीक्षा के बाद विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धांत आर्या की महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी होने वाली है। हमारे विशेष संवाददाता के अनुसार कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर सिद्धांत आर्या सभी का, व्यक्ति, समाज, देश, दुनिया सभी का भविष्य देख सकेंगे। इतना ही नहीं, भविष्य बदल भी सकेंगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो व्यक्ति भविष्य देख सकता है और बदल सकता है उसे भगवान के बराबर माना जाता है। भगवान के बराबर भगवान ही माना जाता है। आई विल बी गॉड, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हॉन्गकॉन्ग
लेकिन इतने दिन के मैं यहाँ पर क्या करूँगा? क्यों कृष्णा, जब हम तुम्हारे यहाँ आए थे तो तुमने अपना गांव दिखाया था ना, अब हम तुम्हें अपना शहर दिखाएंगे। यहाँ रहोगी तुम, ये है तुम्हारा लिविंग रूम, ये है तुम्हारा बेड, ये कपड़े तुम्हारे लिए, और ये रहा तुम्हारा फोन, इसमें हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम जब चाहो हमें फोन कर सकते हो। लेकिन प्रिया, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं रह सकता? वो क्योंकि वहाँ पे माँ नहीं है। हाँ, वहाँ माँ नहीं है ना? अच्छा नहीं लगता ना? मेरा फोन बजा, इसने मामा ने कैसे खाली कैसे? शायद मैंने तुम्हें गलती से अपना फोन लिया। एक्सक्यूज मी, हेलो, अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ माँ। अरे माँ का फोन, एक मिनट, नमस्ते तो कहते हैं। माँ का कहाँ फोन था? वो तो मामा 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 का फोन था। तो नहीं नमस्ते कह लेते, तुम्हारे मामा जी भी यहीं रहते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो इंडिया में रहते हैं ना। अच्छा, इंडिया में? कहाँ इंडिया में? कृष्णा, हमें ऑफिस जाना है ना, हम बाद में तुम्हें मामा जी का पूरा एड्रेस दे देंगे पिन कोड के साथ। अभी हमें जाना है, बाय बाय। एक झूठ को सच बनाने के लिए कितने झूठ बोलेंगे हम? आज तो मामा ने बचाया, तो कल मामा बचा लेगी, रिश्तेदार किस दिन काम आएंगे, रिलैक्स। उसकी आंखें देखी तुमने, कितना प्यार और विश्वास भरा था उनमें। मां ने मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं इतना कृष्णा को हर्ट नहीं कर सकती। वो तुम्हारी वजह से फेमस हो जाएगा, सेलिब्रिटी बन जाएगा, और फाइनली हमें प्रमोशन मिल जाएगा, और बाद में अगर उसे पता भी चल गया तो स्मॉल पार्टी में होटल में आ। क्या हुआ? सीढ़ियों से? सीढ़ियों से? हाँ प्रिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। क्या? मैं गाड़ी लेके आती हूँ। अब हाँ, अपनी आँखें बंद कर। हाँ प्रिया, जब भी मैं आँखें बंद करने के लिए कह रहा तुम अपनी आँखें बड़ी क्यों कर लेते हो?
थैंक यू। थैंक यू। यू आर वेलकम। कृष्ण, स्पीक इन इंग्लिश। व्हाट? माय नेम टू लॉ सर कृष्ण। ओके ओके कृष्ण ली, नाइस नेम। माय नेम इज कृष्णा, कृष्णा मेहरा। कृष्णा, इंडिया? यस इंडिया। I work in Great Women Circus. Must come, okay? Okay. Sunday, okay? Sunday, okay. दस दिन तो यूं ही गुजर जाएंगे बेटा। तू बता, तुझे कैसा लग रहा है वहाँ? अच्छा लग रहा है। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं यहाँ, और मैं जहाँ रुका हूँ वो जगह 20वें फ्लोर पर है, और मैं आपसे इस वक्त बालकनी में खड़े होकर बात कर रहा हूँ। अच्छा तो अच्छे से रहना, और सुन, प्रिया को मेरा प्यार और आशीर्वाद दे। Just imagine, हमारे नए शो का नाम। क्या इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान एक बंदर से भी ज्यादा तेज इस पोल पर चढ़ सकता है? नहीं ना। Well, हमारे आज के शो को देखने के बाद आप इमेजिन नहीं यकीन कर लेंगे कि ऐसा हो सकता है। तो तैयार हो जाइए। एक तरफ है वर्ल्ड फेमस ओरैंगुटान मां, जो पलक झपकती है इस पोल पर चढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ है इंडियन सुपर बॉय कृष्णा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? तुम यहाँ पर शूटिंग दिखाने लायक नहीं। हाँ बाबा, फिर मैंने सोचा अगर तुम शूटिंग देख सकते हो तो कर भी तो सकते हो। लेकिन फिर माओ से इस पोल पर कैसे चढ़ सकता हूँ? जैसे उस दिन पहाड़ पे चढ़े ऐसे 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 याद है? मैं माओ से हार गया था। अरे मुझे पूरा यकीन है तुम हार ही नहीं सकते। लेकिन हार गया था तो मैं माओ से शादी कर लूंगा। तो मान जाना, बहुत मजा आया। प्लीज मजा तो आया। सर सर ओके, इट्स मोर रेडी रेडी कृष्णा रेडी। हमारे और सक्सेस के बीच में सिर्फ एक ही पोल का फासला है। पोल का पल का फासला। Roll camera. Action. What the hell is this? Boss, Hindi, Chini, bye bye. Shut up. Sorry, sir. Roll camera. Action. Together. Now you're out of my show, okay? I told him off. Achoo, 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 प्रिया, स्माइल। अरे इंडिया में तो बड़ी आसानी से फिश पकड़ लेते थे, क्यों? नहीं बाकी मुझे तुम जानती है ना, मेरा साथ देती है। लेकिन तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने यहाँ आया हूँ। अगर मेरी माँ ने पूछा कि तुम करते क्या, तो तुम क्या करोगे? क्या दूंगा जो करता हूँ तुमसे? क्या और क्या कहोगे? कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूं, तुम्हारा ख्याल रखूं। और
हंसी को तुम्हारे होंठों से कभी अलग नहीं होने देगा। और अच्छे बड़े वक्त में हमेशा साथ उसे फलते रहते हैं आंखों के साथ। और सफल तुम देखो सच में करो तेज धूप में छाप कर साथ और सभी ने मुझे बरसात आता है तो बादल का रुख हो गया चले गए। और इसी तरह जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा हर खतरे से हर मुसीबत से। अब तो मान जाइए। Oh!
if the search is placed at Marina Bay, which took place last night, and the daredevil Mount Savior, who in a flash rescued many victims trapped in the fire and has become every child's hero overnight. But his identity is still a mystery. कल तक हमारे पास मासमिन का खोलिया और सिर्फ उसकी तस्वीर थी। आज हमें उसका नाम पता चल गया, साथ ही उसके मास का एक टुकड़ा भी मिल गया। कैसे है ये चाहते हैं? His name is Krish and this piece of mass broke from his forehead. तो इसका नाम है क्रिश। क्रिश! लेकिन इसकी पहचान पर अभी भी एक रहस्य है। बहरहाल ये क्रिश जो भी हो, इसकी बहादुरी को पुरस्कृत करने के लिए एक ग्रेवी अवार्ड और $25,000 का इनाम घोषित किया गया है। तो फिर क्रिश की पहचान कैसे हुई? ये टुकड़ा जिसके मास से मैच करेगा उसे ही क्रिश माना जाएगा और उसे ही पुरस्कृत किया जाएगा। क्रिश, क्रिश, आखिर है कौन ये क्रिश? Listen carefully, you guys. हमारी प्रायोरिटी क्रिश है, सिर्फ ओनली क्रिश। Get that? क्रिश और उसकी आइडेंटिटी। क्रिश की पहचान सबसे पहले हमारे चैनल पर होनी चाहिए। Do you get that? Our channel must be the first one to unmask this mask. Get it? Stop nodding and leave. Go get him. Go go. तुम दोनों कहाँ जा रही हो? क्रिश को ढूंढने। Forget क्रिश. नया जॉब ढूंढो. नया जॉब? You both are fired. What? अब तुम इंडिया जाओ. बाकी जंगल में अपने कृष्णा के साथ फ्लूट बजाओ. चल चल. Go go go. Out. प्रिया, कृष्णा के चक्कर में ये जॉब तो गया है. अब क्या होगा हमारा? हनी, मुझे लगता है कि ये क्रिश और कोई नहीं, अपना कृष्णा ही है। क्या? हाँ, उस दिन सर्कस में मैंने क्रिश को इतने करीब से देखा था। मेरा दिल कहता है कि कृष्णा ही क्रिश है। तो फिर तुमने ये बात मीटिंग में बॉस को क्यों नहीं बताया? अरे क्योंकि मैं शो नहीं थी ना, पहले कंफर्म तो करना पड़ेगा। कंफर्म होगा कैसे? एक आइडिया तो है।
I think it's must make shit. My shit. C'est juste.
प्रस्तुत की पहनाव के लिए। प्रिया प्रिया अरे बाबा सुन रही हूँ लेकिन नहीं भी सुन। अरे उस तक सर्विस में जो एक्सप्लोजन हुआ था ना, मैं तो बेहोश हो गई लेकिन लगता है मेरा कैमरा ऑन है। अच्छा ये टीवी बंद कर और कृष्णा के बारे में सोच प्लीज। पर तुमने तो उनके बारे में झूठ कहा था।
हाँ भैया, मैं तुम्हारी माँ से बात कर चुका। कृष्णा, I'm sorry, मैं मानती हूँ कि मैंने शुरू में झूठ बोला, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ कृष्णा। बस भैया, बस, तुम्हारे पास और झूठ नहीं मुझे सुनने के लिए, पर मैं सच मानने की शक्ति मुझे नहीं। मेरी बात तो सुनो कृष्णा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आदमी बनते देखना चाहती थी, और कुछ घंटों में ऐसा हुआ था, पूरी दुनिया तुम्हारे पावर से गुणों के बारे में जान जाएगी। यही तो मैं नहीं चाहता। तुम्हें क्या लगता है कि उसे मैंने मास्क क्यों पहना? इसलिए क्योंकि मैं अपनी दादी से वादा करके आया था कि मैं अपनी पहचान छुपा के रखूं, अपनी शक्तियों के बारे में किसी को पता नहीं चलने दूं। दादी ठीक कहती थी, इस दुनिया में लोग सिर्फ अपने मतलब के पैसों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने मुझे रोकना भी चाहा, लेकिन क्यों रोकना चाहती थी तुम्हारी दादी को? वो क्यों हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी? क्यों नहीं चाहती वो कि पूरी दुनिया तुम्हारे टैलेंट को पहचाने? क्या वो मतलब ही नहीं है? प्रिया, जाना चाहती है तो सुनो, Singapore. They are the ones who really deserve this applause for having had faith in my various projects. I am delighted to announce that our company, Technotronics, has made a profit of $400 million this year. I therefore announce a 100% dividend to all our shareholders. Are there any questions? Yes? Dr. Arya, congratulations on the phenomenal success of your company. My question is, 20 साल पहले आपने एक ऐसा कंप्यूटर बनाने की कोशिश की थी जो फ्यूचर देख। आपके उस ड्रीम का 20 साल पहले आपने भी कई सपने देखे होंगे, सब सच हुए जी? कुछ सवाल तकलीफ पहुंचाते हैं, मीडिया को ये बात समझनी थी। मेरे जीनियस दोस्त रोहित मेहरा की मौत के साथ मेरे उस सपने की भी मौत। लेकिन डॉक्टर आर्य, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा और सुना है, आप तो कभी हार नहीं मानते। जीतने की कोशिश करता, अगर मेरा जीनियस दोस्त जिंदा हो। Excuse me. Sir, let me speak to the lady for just 1 minute. Krishna!
कृष्णा अभी कुछ कहना बाकी है। ये कुछ कहना चाहते हैं। कौन है? विक्रम चंद्रा। क्या चाहते? सिर्फ इतना, तुम जिस तरह यहां आए थे उस तरह यहां से जाओ। क्या मतलब? मतलब तुम अकेले आए थे, अकेले भी जाओ। कृष्णा, तुम्हारे पिता रोहित मेहरा जिंदा है। ये तस्वीर उस समय की है जब तुम्हारे पिता डॉक्टर आर्या के लिए काम कर रहे थे और मैं टेक्नोट्रॉनिक का सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर। उम्र में वो मुझसे छोटे थे और हैसियत में मैं उससे छोटा था, फिर भी हमने यही दोस्ती थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम हिंदुस्तानी थे, इसलिए क्योंकि उनकी मुस्कुराहट में एक सच्चाई थी, उनकी आंखों में नेकी थी। वो हमेशा खुश रहते थे, लेकिन हमारी चीज की खुशी किसी की नजर लग गई। इतने साल हो गए, लेकिन वो वक्त जैसे आज भी वही ठहरा हुआ है। उस दिन वो सुबह तक अपने काम में खोए हुए थे क्योंकि अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उन्हें इंडिया वापस जाना था। गुड मॉर्निंग चीफ। अरे विक्रम जी, आइए आइए, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ चीफ, लेकिन आप अगर इस तरह दिन रात काम करते रहे तो नींद ना आने की बीमारी लग जाएगी। आज के बाद तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज इस कंप्यूटर की इनॉग्रेशन के बाद इसे डॉक्टर आर्य को हैंड ओवर करके मैं अपने फैमिली के पास वापस जा रहा हूँ। जी बुरा मत मानिएगा, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हम फ्यूचर देख सकते हैं। यकीन नहीं करने से सच नहीं बताता है, देखेंगे तो मानेंगे। क्या आप वाकई मुझे? और आइए और आने वाले कल को आज देखिए, बताइए कि वक्त को देखिए कैसे सकता है। जाने से पहले मैं कंप्यूटर के पासवर्ड चेंज कर दूंगा, उसके बाद ये कंप्यूटर सिर्फ डॉक्टर आर्य के साथ करेगा। तो बताइए क्या देखना चाहिए? मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन आपने बताया था कि भाभी माँ बनने वाली है। चलिए देखते हैं कि मैं अंकल भतीजे का बनूंगा या भतीजी का। और लो लो लो, अच्छा अच्छा, अपनी माँ के पास जाओ, मेरे
पास तो मेरा बेटा आने वाला है। कंग्रेचुलेशंस जी, कल भाभी बेटी को जन्म देंगी, लेकिन मिठाई तो मैं आज ही बांटूंगा। आज क्या अभी? क्या कहा? क्या हुआ मेरे रोहित को? क्या हुआ माँ? नहीं, ऐसा नहीं सकता। मेरा रोहित नहीं मर सकता है। मेरा रोहित जिंदा है। नहीं, क्या? जी, ये कंप्यूटर गलत बता रहा है। इसमें जरूर कोई खराबी है जी। का मतलब आप भी रोहित के हाथ? दिमाग, क्योंकि रोहित का दिमाग अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसके लिए भी और मेरे लिए भी। वैसे बहुत अफसोस होता है मुझे, क्योंकि रोहित अच्छा लड़का है, सच्चा, ईमानदार, इंटेलिजेंट। वो लोग ऊपर आ रहे हैं जी, आप यहाँ से जाइए। मैं कंप्यूटर गलत हाथ पर नहीं जाने दूंगा, मैं सब तोड़ लूंगा। ठीक है, मैं जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। मैं निशा को अस्पताल ले आई। हाँ, मैं से बोल रही हूँ। वो बारह को किसी भी वक्त आप बन सकता है, बस जल्दी से घर आ जाओ बेटा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान से लग रहा है? मेरी शक्ति पर गलत इस्तेमाल किया गया है। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। पासवर्ड है खुद रोहित। व्हाट? ये सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब तक इसकी आंखों की रेटिना और इसके दिल की धड़कन कंप्यूटर में फीड नहीं होगी, तब तक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। मतलब तुम्हें जिंदा रखना,
जब तक मैं नया कंप्यूटर ना बनाऊं। लेकिन मरना तो तुम्हें पड़ेगा दुनिया के लिए। ब्रेकिंग न्यूज, एक शुभ समाचार। टेक्नोट्रॉनिक्स की लेबोरेटरी में अचानक आग लगने के कारण प्रसिद्ध भारतीय विद्वान श्री रोहित मेहरा की दुखद मृत्यु हो गई। आइए हम 2 मिनट का मौन धारण करें ताकि श्री रोहित मेहरा की आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। उस दिन के बाद डॉक्टर आर्य के लिए काम करना मेरी मजबूरी हो गई। पुलिस की मदद भी नहीं ले सकता था। डॉक्टर आर्य को अगर जरा भी शक हो जाता तो वो मुझे खत्म कर देते और मैं ही एक जरिया था तुम्हारे परिवार तक पहुंचने का। इसीलिए मैं पिछले कई सालों से तुम्हारी दादी को और तुम को ढूंढ रहा था। आज की यह नजरिया अगर तुमसे मुलाकात हुई सालों से मशीनों के जरिए ऐसी हालत में रखा है कि सिर्फ उनका दिमाग जिंदा है, शरीर बेजान है। गुड इवनिंग माय फ्रेंड रोहित मेहरा। कैसा महसूस कर रहे हो आज? ये मशीन तुम्हारा ठीक से ख्याल तो रख रही है? यस गुड। कल वो ग्लोरियस ऐतिहासिक दिन है जब मेरा हमारा कंप्यूटर इनॉग्यूरेट हो। हाँ हमारा, क्योंकि तुम्हारे बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं था। इतने साल तुमने किस सब्र शांति से मेरे साथ कोऑपरेट किया है। कल जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो तुम्हारी जरूरत भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी तकलीफ भी। See you tomorrow. Breaking news. डॉक्टर आर्या को कभी क्या काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसीलिए डॉक्टर आर्या ने फैसला किया है कि वो आज ही कंप्यूटर आरंभ करेंगे और आज ही रोहित का और मेरे पिता चाचा इसका मैं हाँ, लेकिन वहां तक किसी अनजान आदमी का पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डॉक्टर आर्य ने इस आइलैंड के हर हिस्से में बेहद टाइट सिक्योरिटी रखी है ताकि अब उसके और कंप्यूटर के बीच में कोई ना आ सके। कृष्णा, अगर डॉक्टर आर्य ने वो कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया तो उस कंप्यूटर के जरिए वो किस हद तक नाश कर सकता है, इंसानियत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरा, तुम्हारा, हम सबका, इस पूरी दुनिया का फ्यूचर उसके कब से ना जाएगा। इसीलिए डॉक्टर आर्या को हर हाल में रोकना होगा। अब तुम्हें अपने पिता के साथ साथ पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत को बचाना है कृष्णा।
कलंक। दादी। कृष्णा तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ दादी। पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। तू कब आया बेटा? तेरे पापा का शाल है, उस दिन तुझे यहां रहकर बेटे का फर्ज निभाना है। याद है आप मत कीजिए, मैं बेटे का हर फर्ज निभाऊंगा। मुझे कैसे ईश्वर बनाएगा? Thank you.
दिया मैंने अपना फ्यूचर, बदल दिया मैंने अपना कल, कोई नकाब नहीं रहा। आज से इस दुनिया के भगवान का नया चेहरा होगा डॉक्टर सिद्धांत आर्या। यहां पर जाएगा यानी वो 15 मिनट में यहां पहुंच जाएगा। That means he's already on the island. इसे काबू में करने के लिए पावर की नहीं प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर आर्या ने इस आइलैंड के हर हिस्से में हर टाइप सिक्योरिटी रखी है। मैंने फ्यूचर देख लिया। लेकिन जो वक्त की कमी की वजह से नहीं देख पाया वो जानना चाहता हूं। तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो और रोहित मेहरा को क्यों बचाना चाहते हो? कौन हो तुम? जवाब तुम्हें मेरे पास आके देना होगा। काम मैंने कहा था ना, मैंने फ्यूचर देख लिया है और मैं जानता हूं कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ। तो प्लीज को अभी पता चल जाएगा।
Oh.